अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद मलिक, रिप्रेजेंटिंग Ammanat.com। आज हम मौजूद हैं स्टार मार्केटिंग के एक्सपो पे। मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद जिलानी साहब, ही इज़ दी चीफ कंसल्टेंट टॉप सिटी वन। कैसे हैं शहजाद साहब? जी बहुत शुक्रिया, आई एम गुड, आप सुनाए? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो मुझे थोड़ा सा टॉप सिटी के बारे में ब्रीफ कीजिएगा रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट। जी, टॉप सिटी वन इज़ द फर्स्ट एवर स्मार्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ लोकेटेड ऑन द जंक्शन ऑफ M1 एंड M2 मोटरवे, और इट इज़ एडजेसेंट टू द न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अबाउट 5 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम द लोकेशन। इसके अलावा हम लोग प्राइम लोकेशन के अलावा जो है टॉप सिटी वन में अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव्ड हम लोग सोसाइटी हैं, हाउसिंग सोसाइटी फ्रॉम द रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी। वी हैव ऑल द NOCs जो कि रिक्वायर्ड होती हैं टू रन द बिज़नेस। इसके अलावा हमारे पास रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं। 9081 केनाल जो है उसका हमारा जो है वो अप्रूव्ड है मैप, और ABCD ब्लॉक्स जो है हमारे वो अल्लाह का शुक्र है कि कम्प्लीटली सोल्ड आउट है, और हमारे पास इंस्टीट्यूशनल जोन्स हैं। इसके अलावा हमारे पास 5-स्टार होटल की साइट है। स्मार्ट डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं। हमारी जो टाउन प्लानिंग है उसके अंदर ऐसे फीचर्स हैं जो कि एक स्मार्ट सिटी को के कॉन्सेप्ट को ट्रांसलेट करता है, जैसे कि RDA की के रूल्स के हिसाब से आपको पता है कि जहाँ पर वाटर कंजर्वेशन नहीं है तो वो RDA उनको अप्रूवल नहीं देता। लेकिन हम शुरू से हमारी टाउन प्लानिंग का ये एक सेलियंट फीचर है कि हम वाटर कंजर्वेशन करें, जिसके लिए हमारे पास कल्वर्ट्स हैं, हमारे पास रिजर्वायर है, हमारे पास रेन कैनाल्स हैं जो कि जाकर सीधा लेक में पानी को जो है वो स्टोर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एस्फॉल्ट वर्क अल्लाह का शुक्र है तकरीबन जो ब्लॉक्स मैंने बताया कंप्लीटेड है। हमारे पास अभी लिंक रोड पे काम चल रहा है, हाई राइज प्रोजेक्ट है टाइम स्क्वायर के नाम से, आपको बैकग्राउंड में भी नज़र आ रहा होगा, उसकी तकरीबन 5 स्टोरी पे अभी काम हो चुका है। हमारे पास लेक सिटी एनक्लेव के नाम से एक प्रोजेक्ट जल्द आ रहा है, जिसमें हम 200 से 250 के विलाज हम बनाएंगे, और जी ब्लॉक के अंदर इस वक्त डेवलपमेंट तेज़ी से चल रही है, जहाँ पे हम 5 मरला के जो है वो जहाँ पे हम देंगे रिहायशी। इसके अलावा अगर हम बिज़नेस एथिक्स की बात करते हैं तो वी आर अल्हम्दुलिल्लाह सिंस 2 ईयर्स वी आर रिसीविंग दी हाईएस्ट टैक्स पेयर्स अवार्ड इज़ वेल, तो बिज़नेस एथिक्स भी हमारे अपनी जगह पर इंटैक्ट है। हमारे पास इसके अलावा कमर्शियल सेंटर्स, अभी आप स्टार प्रॉपर्टी एक्सपो में बैठे हैं, आप हमारे 5 जो प्रोजेक्ट्स हमारे पास जिस पे काम चल रहा है, जिसमें प्लाजा है, शॉपिंग मॉल है, इसके अलावा कमर्शियल सेंटर्स हैं, वो इधर मौजूद हैं हमारे साथ। इसके अलावा अगर मैं आपको और बताऊं, ज़ू है हमारे पास जिसमें बड़े नायाब और बड़े रेयर एनिमल्स सारे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लाइसेंस याफ्ता वो हैं। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है जो कि मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि जो स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है एक स्मार्ट डेवलपमेंट है, लेकिन स्मार्ट सिटी का ताल्लुक है समथिंग इनोवेटिव, समथिंग आईडी क्रिएटिव। वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम उस नेज पे पहुँचे हैं कि जहाँ हम बहुत जल्द ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने जा रहे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह वी विल बी दी पायनियर्स इन पाकिस्तान। और अभी मैं रिवील इसलिए नहीं करता कि थोड़ा सा हम उसको रखते हैं सस्पेंस, ताकि जब उसकी लॉन्चिंग होगी तो आप सब दोस्त वहाँ पे होंगे एंड यू विल विटनेस योर सेल्फ कि हम क्या मुतारिफ कराने जा रहे हैं। तो शहजाद साहब, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि लेट्स से एक एंड यूज़र क्लाइंट है, इन्वेस्टर है, वो अगर टॉप सिटी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो थोड़ा सा प्राइस रेंज अगर आप मुझे बताएँ कि कितने मरले से स्टार्ट होता है फॉर अ हाउस और फॉर अ प्लॉट, तो उसकी मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है? देखिए, हमारे पास डिफरेंट प्राइस रेंज हमारी डिफरेंट है। अच्छा, प्राइस कभी एक आपकी जो है वो स्टेगनेंट नहीं रहती, प्राइस कीप्स ऑन चेंजिंग। लेकिन हमारे पास जैसे 5 मरला है, 10 मरला है, 1 कैनाल है, फिर हमारे पास उससे ज़्यादा 4 कैनाल के जो फार्म हाउसेज हैं, फिर इसके बाद हमारे पास कमर्शियल है, तो जो रेट्स हैं वो वेरी करते हैं। जैसे अभी हमारे पास जो करंट रेट है एज़ ऑफ नाउ, जो हम स्टार प्रॉपर्टी एक्सपो में बैठ के बात कर रहे हैं फरवरी के महीने में, तो इस वक्त आज हमारा जो रेट चल रहा है वो तकरीबन 5 मरले का चल रहा है 2.4 से लेके 2.9 तक। और ऑन ओकेजन्स अगर वो कॉर्नर लोकेशन है, पार्क फेसिंग है, एक्सक्लूसिव लोकेशन है, तो उसका वेरी करता है, वरना एवरेज हमारी मार्केट इस वक्त ये चल रही है जिसपे चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा कमर्शियल का अपना रेट है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि
जो सबसे ज़्यादा कम्पेटिटिव जो रेट्स अगर आपको कोई ऑफ़र करता है तो वो टॉप सिटी वन करता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे आपके प्रॉपर्टी पोर्टल्स हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंट सर्वे कैरी किए हैं, और उनके बकौल के जब मार्केट कभी डाउन थी या कभी बिल्कुल एक कांस्टेंट चल रही थी उस पर, तो टॉप सिटी के रेट्स पे ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। अच्छा, इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि जैसे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि लोग पूछते हैं कि जी बताएं हमें इसके बारे में क्या है। हमारे पास पानी का कोई मसला नहीं है, हमारे पास ग्राउंड वाटर बड़ा अच्छा है, हमारे पास रिजर्वॉयर है जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर हमारे पास कंजर्वेशन का भी है कॉन्सेप्ट। इसके अलावा हमारे पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 50 घर हमारे तामीर हो चुके हैं, जिसमें से चंद जो हैं घराने वहाँ पर अभी क़याम पज़ीर भी हैं और मज़ीद आ रहे हैं। नेक्स्ट वीक में भी हमारे पास कुछ फैमिलीज़ मूव कर रही हैं, और जैसे कमर्शियल का काम तेज़ी से पूरा होगा, पाए तकमील तक पहुँचेगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि मज़ीद फैमिलीज़ भी आएंगी। हमारे पास पहला जो है घर टॉप सिटी वन में सोलर पावर्ड भी, उसका भी इनॉग्रेशन हो चुका है, वहाँ पे भी फैमिली रह रही है। इसके अलावा एक हमारा ग्रीन कॉन्सेप्ट जो है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट का भी विजन है और वर्ल्ड ओवर क्लाइमेट चेंज का भी जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसमें हमने तकरीबन कोई एक जो हमारी मुहिम है उसमें हम बहुत सारे दरख लगा रहे हैं। तकरीबन हमारा जो टारगेट है वो 2 लाख दरख का है, जिसमें से हम अल्लाह का शुक्र है हाफ वे थ्रू हम पहुँच चुके हैं। आप जब विज़िट करेंगे, आप लैंडस्केप देखेंगे, हरियाली देखेंगे, दरख्त देखेंगे, तो मैं आपको तभी आपको बता सकूंगा कि असल जो मैं आपको बता रहा था और ये सामने चीज़ें। एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि बहुत सारे मंसूबे ऐसे होते हैं जो कि पहले बोर्ड लगते हैं उनके और वो मंसूबे बाद में आते हैं या आते भी नहीं। हमारा ये होता है कि हम पहले मंसूबे को लॉन्च करते हैं फिर उसकी तशहीर करते हैं, ये हमें डिफ्रेंशिएट करता है बाकी दीगर जो सोसाइटीज़ हैं उनसे। थैंक यू सो मच शहजाद साहब आपके टाइम का। इंशाल्लाह ताला वी होप वी प्रे कि आपका प्रोजेक्ट तरक्कियों की मंजिल को छुए, एंड विल बी इन टच विद यू फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच शहजाद। थैंक यू।